हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से दिबा अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो ईपीएफओ का एग्ज़ाम आई होप आप सभी का बहुत अच्छा हुआ होगा, उम्मीद है। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इसलिए मैं उस पेपर का एनालिसिस नहीं करवा पा रहा हूँ, और एनालिसिस की आवश्यकता है भी नहीं। फिर देना वीक एक दो हफ्ते के अंदर अंदर यूपीएससी अपनी आंसर की ऑफिशियल निकाल देगी। तब तक किसी और की आंसर की के बातों में आकर आप अपने आप का बेटे मूड टेंस ना करें। और उम्मीद रखता हूँ कि दिबा अकेडमी और मैंने जो कुछ भी आपको मतलब ईपीएफओ के लिए कराया होगा उसका बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो आपको हेल्प अवश्य मिली होगी। आने वाले समय में हम लोग टारगेट करने वाले हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स को। बाकी मैं आपको बस केवल इतना बता दूँ कि कट ऑफ लगभग कितने कितने मतलब रहने वाला है। अभी तक पेपर मैंने अच्छे से एनालाइज तो नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर हम आइडिया बताएं, ज़रूरी नहीं कि यही सभी कट ऑफ सब कुछ होगी। तो अगर हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें, तो 70 क्वेश्चंस के आसपास प्लस माइनस 5 अपनी ओर से कर लेना, 70 और 75 क्वेश्चंस के आसपास आपके मतलब ठीक हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, तो आपका पूरा है चांस। ओबीसी के लिए आप 60 और 65 के बीच में, मतलब 65 और 70 के बीच में आप अगर हैं तो फिर आपका पूरा पूरा है चांस, ठीक है। एससी एसटी की अगर हम लोग बात करें, स्पेशली एससी, तो एससी करीबन रहेगा आपका 60 और 62 के आसपास अगर आपके क्वेश्चंस ठीक है। तो एसटी के लिए आप मान के चलिए 50 और 55 के बीच में आपका, और ईडब्ल्यूएस की जिस हिसाब से वैकेंसी थी रहेगा 65 और 70 के बीच में। तो ये आपका इतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अटेम्प्ट कम से कम आपका 90 के आसपास मतलब होना चाहिए, और पैटर्न वैटर्न सब कुछ मतलब बताया था। बाकी आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट, और जैसी मेरी होगी तबीयत ठीक वैसे हम लोग दिबा अकेडमी पर लाइव मिलेंगे एक बेहतरीन क्लास के लिए। तब तक के लिए जो बच्चे पीसीएस को कर रहे हैं टारगेट, उन सभी के लिए पेड बैच का अनाउंसमेंट दिबा अकेडमी की ऐप पर हो चुका है, और उसका कोर्स लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। और जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा तो इंटरव्यू के लिए भी दिबा अकेडमी की ओर से ईपीएफओ में आपको बहुत सारा हेल्प और पूरी पूरी नीड जो भी आपकी मतलब है उसको हम पूरा करने की करेंगे कोशिश। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।